तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और अगर मैं बोलूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसका पार्ट टू भी आए तो आप देख सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। छोटा भाई, भैया अब मेरी क्लास ऑनलाइन होगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्लास ऑनलाइन होगी, तो अब मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। बड़ा भाई, ठीक है भाई, लेकिन कुछ दिन बाद। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब पैसे होंगे हम जाके खरीदेंगे। छोटा भाई, ठीक है, एक हफ्ते बाद। बड़ा भैया, भाई ये ले, मैं तेरे लिए एक फ़ोन लाया हूँ, देख ले कैसा है। वैसे भी मुझे तेरे लिए एक फ़ोन लेना ही था, चलो आज ही, ठीक है। कुछ दिन बाद। बड़ा भाई ऑफिस से आकर, भाई कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? भाई छोटा भाई, नहीं भैया, एकदम अच्छे से चल रही है मेरी पढ़ाई। भैया मैडम लोग हमारी पूरी क्लास भी लेती है, और जो अब्सेंट होते हैं उनको डांटती भी है। बड़ा भाई, हाँ ठीक है ठीक है। छोटा भाई, हाँ भैया, चलो भैया खाना खाते हैं। बड़ा भाई, हाँ भैया, हाँ भाई। छोटा भाई अपने दोस्तों से, देख मेरे भैया ने मेरे लिए नया फ़ोन खरीद कर दिया है, कैसा है बताओ तुम लोग। पहला दोस्त, अच्छा है यार, तू ऑनलाइन क्लास भी इसी में करता है ना? छोटा भाई, हाँ यार इसी में करता हूँ। दूसरा दोस्त, तेरा फ़ोन तो अच्छा है, लेकिन कोई गेम वेम नहीं खेलता क्या तू? छोटा भाई, नहीं भाई, मेरे लिए भैया ने बहुत मेहनत करके ये फ़ोन लिया है, मैं इस फ़ोन का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। दोस्त, चल तेरा मन, हमें तो बहुत मज़ा आता है गेम खेलने में, और वैसे भी लॉकडाउन में टाइम पास करने का अच्छा ज़रिया भी है। छोटा भाई घर जाकर बहुत सोचता है कि मैं इस गेम को डाउनलोड करूं कि नहीं, वो अपने भैया के बारे में भी सोचता है। ये कहानी आज मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इसका पार्ट सेकंड चाहिए तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।